यह है अखलाक भाई, जिन्होंने गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर पड़ने वाले बढ़नी रेलवे स्टेशन के पास से एसएसपी का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अखलाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ये दुआ है हमारी। आज के इस वीडियो में एसएसपी का अपडेट देंगे। पहली बार हम आप लोगों को गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर किसी एसएसपी का अपडेट दे रहे हैं, वो भी बढ़नी रेलवे स्टेशन के पास से। यहाँ पर वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है, काफ़ी देर में वायरिंग का काम कंप्लीट हुआ स्टेशन पर। लगभग 3 से 4 हफ्ते लग गए पूरा वायरिंग का काम कंप्लीट होने में। आउटर से हम आप लोगों को एसएसपी का अपडेट दिखाएंगे। सितंबर 2022 टारगेट रखा गया है गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट करने को सुभागपुर रेलवे स्टेशन तक। लेकिन जिस गति से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सितंबर 2022 तक काम पूरा हो पाएगा, क्योंकि लगभग 2 महीना शेष बचे हुए हैं और 2 महीने में ऐसी कौन सी ये रफ्तार बढ़ा देंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये काम सितंबर 2022 तक पूरा हो पाएगा या नहीं पूरा हो पाएगा। मुझे तो लगता है दिसंबर 2022 आ जाएगा, तब तक ये काम पूरा होगा। अगले साल ही आप उम्मीद कर सकते हैं गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन काम होने के बाद इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेन संचालन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गोंडा की दिशा हो गई और इसी के आस पड़ोस में एसएसपी बनाई जा रही है। वायरिंग का काम हो रखा है, आगे भी वायर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और ये गोरखपुर की दिशा हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एसएसपी यहाँ पर बनी हुई है। एसएसपी का काम भी लगभग पूरा हो गया है, हालांकि अभी ओएचई से नहीं जोड़ा गया है, कुछ छोटे मोटे काम बचे हुए हैं। आप मान के चल सकते हैं 90% काम पूरा है। 3 फेज़ की सप्लाई आती है, ओएचई को 1 फेज़ की सप्लाई यहाँ से मिलेगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है एसएसपी जो बढ़नी रेलवे स्टेशन के आउटर पर यहाँ पर बन रही है। लगभग काम पूरा है, पहली बार हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर एसएसपी का। अभी तक किसी भी जगह का हमने आप लोगों को, यानी कि इस सेक्शन पर, एसएसपी का अपडेट नहीं दिया था। कमरा वगैरह भी सब तैयार हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा। अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।